बिस्मान अस्सलाम वालेकुम हमारे किचन में आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार स्पेशल शाही पुलाव तो उसके लिए सबसे पहले मैं बना लूँगी यखनी दो लीटर पानी लिया है मैंने उसमें मैंने डाल दिया है गोश गोश है मेरे पास बीफ का हड्डी वाला गोश् है उसमें एक्स्ट्रा हड्डियां भी डाली है मैंने एक किलो गोश डाल के मैंने डाल दिए हैं दो टमाटर स्लाइस किए हुए लहसन अदरक है एक एक, एक, एक पीस अदरक का है और लहसन है इसमें आठ पीस उसे मैंने किया हुआ है दो टेबल स्पून है सौंफ और दो टेबल स्पून है धनिया एक टेबल स्पून है लाल मिर्चों का पाउडर नमक टेस्ट के हिसाब से ले लें आप मैंने लिया है एक टी स्पून और उसके बाद में एक ही प्याज ली थी उसे स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें दो दालचीनी के हैं दो तेज़ पत्ते हैं और थोड़ी सी लौंगे थोड़ी सी काली मिर्चें हैं एक बड़ी इलायची है इन सब चीज़ों को इसमें डाल दूंगी और मैं बना लूंगी यखनी जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसे छान के अलग कर लेंगे गोश्त को इन सारी चीज़ों के साथ उसके बाद में मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डाल दिए हैं मैंने आधा कप तेल तेल मैंने इसमें कम रखा है आप चाहें तो और ज़्यादा डाल सकते हैं मैंने डाल दिया आधा कप तेल उसमें एक स्लाइस की हुई प्याज डाली है जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे जब वो गर्म मसाला था वो यखनी के लिए था तो इसमें डाल दिए मैंने दो तेज पत्ते एक दालचीनी का टुकड़ा एक काली इलायची बड़ी इलायची का टुकड़ा तीन है ला, हरी इलायचियाँ दो स्टार सारनी मतलब के आ, बादियान के फूल और थोड़ी सी लौंगे थोड़ी सी काली मिर्च आप दस दस लेना ये चीजें डाल दी हैं और इसे मैंने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से और उसके बाद में डाल दूंगी मैं इसमें लहसन अदरक का पेस्ट हो लिया है मैंने दो टेबल स्पून वो डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और जब इसका थोड़ा सा कच्चा पन दूर हो जाएगा इस वक्त हम इसमें डाल देंगे गोश गोश आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन सारी चीजें मौजूद हैं बस वो जो इसके अंदर सौफ्ट धनिया था वो तकरीबन झाड़ दिया है मैंने इसे मोटी छन्नी में डाला था जिससे वो बाहर आ गया अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन दस मिनट भूना है ग्रीन चिलीज डाल दी है इसमें मैंने और एक टेबल स्पून नमक डाल दिया है और मिनट भूनूंगी आप इसकी शक्ल से, लगा से कि इसे कितना भूना गया है। ताकि जो गोश है उसका कच्चा बन भी दूर हो जाए वो अच्छा सा फ्राई हो जाए उस पर कोट सा आ जाए गोल्डन सा उसके बाद ये टूटेगा नहीं तब ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और गोश हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया इस है इस वक्त मैंने डाल दिया है डेढ़ लीटर यखनी क्योंकि मेरे पास एक किलो गोश है एक किलो ही चावल है इसलिए मैंने उसमें डाल दी है डेढ़ लीटर यखनी आप अपने चावलों के हिसाब से डाल दें इसमें पानी है यखनी जो भी आपने डालना है यखनी मैंने सेपरेट करके रखी थी मैंने वही इस्तेमाल की कोई और सी नहीं है वो डालने के बाद मेरे पास बासमती राइस हैं जो कि मैंने भिगोए हुए थे तो ये भी एक किलो है और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये डालने के बाद इन्हें मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है और इन्हें मैं खुला पकाऊंगी जब तक कि ये दम पे आने लगेंगे तब तक तो इसे मैंने पकाया है तेज आंच पे अभी इस वक्त आप अपने चावलों के हिसाब से उन्हें आगे बना सकते हैं इसमें डालूंगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट कुछ चीजें मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको तो मैं साथ साथ बताती चलूँ इसमें मैंने डाली है खजूर और किशमिश और नट्स आप अपनी मर्जी से इसमें जो भी चीजें हैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अब मैंने ली है काली किशमिश ये आप नॉर्मल किशमिश भी ले सकते हैं आधा कप है वो मैंने इसमें इस टाइम पे डाल दी है आप इस टाइम पे खजूर भी ऐड कर सकते हैं मैंने इस वक्त खजूर ऐड नहीं की थी मैंने गार्निश में ऐड की थी और ये मैंने इस वक्त इसमें ये डाल दी और इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और उसके बाद रखूंगी इसे दम पे पंद्रह मिनट के लिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब तक ये वो दम लग रहा है मैंने दो टेबल स्पून ऑयल लिया है पैन में और उसमें मैंने डाल दी है काजू काजू को मैंने बीच में से खोल लिया था आप चाहे तो सब पूरे काजू वैसे ही डाल सकते हैं चाहे तो क्रश करके डाल सकते हैं मैंने इसको कर लिया है फ्राई इस पर जब हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है तो मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है ऑयल सेपरेट कर दिया था ऑयल के साथ इसे यूज नहीं किया है मैंने तो अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ चावल हमारे रेडी हो चुके हैं देखे नाजरीन हमारे चावल बहुत मजे के तैयार हुए मैंने आपको दिखाया है इस वक्त पे अगर आप चाहें तो इस वक्त पे भी आप अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हैं जैसे कि वो होता है हमारा काबली पुलाव या अफगानी पुलाव टाइप तो उसमें ऊपर हर चीज की लेयर होती है हम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन मैंने अलग से गार्निश करना था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला इसमें भी ऐड किया जा सकता है तो चावल रेडी है मैं आपको सर्व करके दिखा जी नाजरीन हमारे बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत शाही पुलाव तैयार है जो कि मैंने सर्व किया है खजूर और कैशो के साथ और इस पर मैंने ऑरेंज भी रखा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था यकीन जानिए जितना दिखने में मज़ेदार है इससे ज्यादा ही खाने में मज़ेदार है और ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डिफरेंट रेडी हुआ है अगर आप ये अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा तारीफ मसूल होगी और ये बहुत ही मजेदार रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस ईद पे बनाए और खाएं और सबसे दाद वसूल करें आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक अल्लाह ताला आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने हिफ्जो अमान में रखें और आप लोगों की ईद अपनों के साथ बहुत अच्छी गुजरे आमीन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर अल्लाह हाफ़